Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are absolutely fine. And today in this video, I am going to share with you a product review. And I hope this video will helpful for you. Agar video acha laga to like kar dijiyega and also subscribe to my channel. So yeah, without further ado, let's get started. Aaj main aap logo ke saath share karne wali hu M Caffeine ka Naked Raw Latte Coffee Face Wash. To is face wash ko main use kar rahi hu, 1 month ho gaya hai aur iska एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये है एम कैफिन ब्रांड का नेकेड एंड रॉ लैटे कॉफी फेस वॉश, कॉफी विद आमंड मिल्क। एम कैफिन ब्रांड का सारा जो प्रोडक्ट है एफडीए अप्रूव्ड है, पैराबेन फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है विद एनिमल टेस्ट फ्री वीगन। पहले मैं इसका पैकेजिंग के बारे में बात कर लेती हूँ। ये फेस वॉश कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड पैकेजिंग बॉक्स में आता है और इसके अंदर रहता है ये ब्लैक कलर का ट्यूब फॉर्म में इसके अंदर प्रोडक्ट रहता है। ये बहुत ही लाइट वेटेड है, आप कहीं पे भी ट्रैवल करो बहुत इजीली इसको कैरी करके लेके जा सकते हो। तो अभी आते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है। एज अ मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें ग्लिसरीन है, कैफिन है एंड कॉफी एक्सट्रैक्ट है एंड और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो इसका जो क्वान्टिटी है नेट क्वान्टिटी 75 ml है। इसका प्राइस है 229 rupees। ये मैंने purple.com से परचेस किया था तो मुझे डिस्काउंट में मिला था एंड आप लोगों को भी बहुत इजीली एम कैफिन का सारा प्रोडक्ट पर्पल, नायका, अमेजन में डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ये है माइल्डली क्लींजेस, टोन्स द स्किन एंड मॉइस्चराइजेस। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है मुझे लगा था कि ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा बट यूज़ करने के बाद मुझे नहीं लगता ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड मुझे ये भी नहीं लगता ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। मेरा जो स्किन है सेंसिटिव स्किन है, मेरा ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा ड्राई स्किन भी नहीं है। फेस वॉश को यूज़ करने के बाद तुरंत मुझे मॉइस्चराइज़र का ज़रूरत पड़ता है एंड मॉइस्चराइज यूज़ करने के बाद में भी ड्राई लगता है एंड मुझे लगता है ये फेस वॉश जो है ये सूटेबल है ओनली ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए। और यहाँ पे मेंशन है कि स्क्वीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेस वॉश, अप्लाई ऑन अ डैम्प फेस एंड वर्क अप अ लेदर, वॉश इट ऑफ थॉरली विद द वाटर, फॉलो विद द एप्लीकेशन ऑफ अ मॉइस्चराइजर। तो ये स्मॉल अमाउंट में आप अगर यूज़ करोगे तो आपका स्किन से ये डर्ट को अच्छे से रिमूव नहीं करता है। ये फेस वॉश अमाउंट में कंपेरेटिवली अदर फेस वॉश ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। मुझे तो ज़्यादा ही अमाउंट लेना पड़ा क्योंकि मैंने पहले स्मॉल अमाउंट में लिया था। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में लेने से ये अच्छे से लैदर फॉर्म भी नहीं करता एंड डर्ट को भी रिमूव नहीं करता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेके फिर अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से डर्ट को रिमूव कर देता है बट ये यूज़ करने के बाद मेरा स्किन बहुत ही ड्राई फील हुआ था। तो इसीलिए ये मैं नेक्स्ट टाइम रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये फेस वॉश का जो टेक्सचर है ये क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, थिक है एंड इसका स्मेल कॉफ़ी जैसा है। ये फेस वॉश अच्छा है बट ड्राई स्किन वालों के लिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा ड्राई फील होगा। ऑयली स्किन वालों के लिए ये फेस वॉश परफेक्ट है। अभी चलिए इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। दैट इज इट विद द रिव्यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डोंट फर्गेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल बटन ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सी यू सून विद अनादर न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।